अशोक राठौर उदयपुर रेलवे ब्लास्ट मामले में पूरी जानकारी साझा कर रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने साधारण व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री धामी प्रोटोकॉल तोड़कर आम जनता के बीच पहुंच जाते हैं। ऐसे एक मामला राजधानी देहरादून में देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री धामी का काफिला फ्लीट वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान से सचिवालय आ रहा था। तब मुख्यमंत्री ने ONGC चौक के पास स्कूटी पर सवार दो युवकों को स्कूटी से गिरते देखा, तो मुख्यमंत्री ने काफिला रुकवाकर दोनों युवकों को हालचाल जाना और मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों को युवकों को शीघ्र इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि दोपहिया वाहन में यात्रा करते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। देशभर में राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 21 नवंबर से यात्रा निकाली जाएगी। मंगलौर क्षेत्र से 3 दिवसीय भारत जोड़ो हरिद्वार बचाओ यात्रा का आगाज होगा। ऐसे में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत और प्रदेश किसान कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों को जोड़ रहे हैं। प्रदेश में हरीश रावत के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनपद हरिद्वार के क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक भी हिस्सा लेंगे। साथ ही किसानों की समस्या समाधान को लेकर प्रदेश सरकार से मांग की जाएगी। ऐसे में कांग्रेस ने इस पद यात्रा को भारत जोड़ो हरिद्वार बचाओ का नारा दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का नाम से ही साबित होता है, भारत को जोड़ने की यात्रा है। ये यात्रा है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और जो हमारा संविधान भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिख के दिया है, उस संविधान को जो ये तोड़ रहे हैं, इन तोड़ने वालों के खिलाफ ये यात्रा है। 21 तारीख से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के प्रतिमा से उदलहेड़ी से शुरू करेंगे और ये सराय में जाके ख़त्म होगी। लगभग 3 से 4 दिनों की ये यात्रा है और इसमें माननीय हरीश रावत जी कार्यकर्ताओं के साथ गांव में ही रहेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और जानेंगे और क्या किया जा सकता है आगे। जब हमारी सरकार आएगी, किस तरीके से लोगों की समस्याओं को हल किया जा सकता है, उसका वो सब करेंगे। दूरी मिल नहीं रही है, उल्टे अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी इस कदर बढ़ी हुई है। अगर बात आप डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान की करते हैं तो लठ बजाने का काम सरकार कर रही है, जेलों में भेजने का काम कर रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता हरीश रावत जी ने, वीरेंद्र रावत जी ने, हमारे विधायकों ने जो बेड़ा उठाया है वो ये है कि हरिद्वार को जोड़ो, जनता से जनता जुड़ेगी, बिरादरी से बिरादरी जुड़ेगी, तब जाकर हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और इस सरकार को फेंकने का काम जो है ये यात्रा करेगी। उत्तराखंड प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित टीम ने पिरान कलियर के हज हाउस में कानून प्रस्तावित बैठक आयोजित की। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने पर लोगों से राय जानी गई। प्रस्तावित बैठक में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक कानून लागू किए जाने को लेकर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों के विचारों को सुना जा रहा है। कड़ी चली आ रही है जिसके तहत ये कार्यक्रम रखा गया था, प्रदेश के कोने कोने में जाकर समिति लोगों के विचार सुनना चाह रही है कि
व्यक्तिगत नागरिक कानूनों को नियंत्रित करने वाले जितने भी मामले कायदे कानून उसमें जो समिति को अपनी संस्तुति देनी है उसमें स्थानीय विचार क्या है। यह समिति गई थी माना विलेज से शुरू की ट्राइबल एरिया से उधर पिथौरागढ़ में धारचूला मुंशियारी गुंजी तक समिति अन्य हम अभी जौनसार इलाके से रुके हैं ठीक है अगस्त मुनि में मीटिंग की कई जगह हम लोग मीटिंग करते हैं। सवाल ये नहीं कि टूटा या बच गया शीशा, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया है। ये आज हमारे ऊपर जो कानून थोपा जा रहा है ये कानून जो है पीछे से कुछ तंजीमें हैं हिंदू राष्ट्र की जो हमारे ऊपर थोपना चाहती है जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा पहले से ही कानून जो है कुरान में है और हदीस में है। हमारा कानून 1400 साल पहले हमारे आका मदनी सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो है सब कुछ बता रखा है। किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाते हुए एक शानदार कानून बने, इससे प्रदेश मजबूत हो, देश मजबूत हो। और मुझे लगता है कि सब तमाम उलेमा इकराम यहाँ मौजूद थे, तमाम इंटेलेक्चुअल, तमाम वकील यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात सबने कही और अपनी बातों से जो कमेटी थी उसको अवगत कराया। कमेटी ने भी उनकी बातों को अप्रिशिएट किया है और मुझे लगता है कि यही लोकतंत्र का सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम अपनी बात को कहें, दूसरे की बात को सुने और जब सुनने और कहने के बाद जो सलूशन निकले उसको सब माने। उत्तराखंड में दो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों के बाद बीजेपी काफी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। वहीं विपक्षी कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर भाजपा और प्रदेश सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का मुद्दा उठाया तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं। कोई कलह नहीं है भाई, हमारे प्रदेश के नेता हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्रदेश में व्यवस्थाएं और अच्छी हो, जो बेहतर चल रहे हैं उससे और बेहतर हो, इसलिए वो बोल रहे हैं। पार्टी से कहना मेरी पार्टी अपने स्तर में बात कर रही हो। ये उथल पुथल तो पहले से है, भूचाल आया हुआ है और ये भूचाल जो है ना, ये हम वैसे भी सीस्मिक जोन में रहते हैं तो हमारे को ये जो वाइब्रेशन है ये पहले भी पता चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में जितनी गुटबाजी है अब वो खुल के बाहर आ रहे हैं। आप जानते हैं ना, फोड़े फुंसियां जब बाहर निकल के आते हैं तो बीमारी का तब पता चलता है और अब पता चल रहा है इनकी बीमारी का कि अंदर से ये एक है ही नहीं। और स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर ये कह दिया गया कि हर डिपार्टमेंट में 40% कमीशन लिया जाता है तो तीरथ सिंह रावत जी भी मुख्यमंत्री रहे थे और जितने समय वो मुख्यमंत्री रहे तब हमने कुंभ का घोटाला देखा। तो आप समझ लीजिए कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि 40% का जो ये जो कमीशन वाली वो बात कह रहे हैं वो हर डिपार्टमेंट में है। और हाँ, एक पूर्व मुख्यमंत्री को आज वाले मुख्यमंत्री को पूर्व बनाने की भी इच्छा होगी और ये दिक्कत भी होगी कि भाई एक ही व्यक्ति क्यों कमा रहा है। तो ये राज्य की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है और इस पर तुरंत कार्रवाई करके एक व्हाइट पेपर लाया जाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है और जनता को बताया जाना चाहिए कि आखिर ये कमीशन खोरी इतनी बड़ी क्यों है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने 12 सरकारी विभागों के कार्यालय में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया जिसमें 26 अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। एसडीएम की छापेमारी से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया। एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने बताया कि आरटीओ, तहसील, रजिस्ट्रार ऑफिस, जिला उद्योग केंद्र सहित 12 कार्यालयों में छापेमारी की गई। इस दौरान कर्मचारी उपस्थित रजिस्टर चेक किए गए, वहीं अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को समय से कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ उत्तराखंड दौरे पर हैं। बीते रोज कोहली हेलीकॉप्टर से भवाली के सैनिक स्कूल में हेलीपैड पर उतरे जिसके बाद विराट कोहली बाबा नीम करौली के धाम पहुंचे। यहां विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने बाबा नीम करौली धाम में पूजा अर्चना की जिसके बाद उन्होंने बाबा के धाम में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान
अनुष्का और विराट ने बाबा नीम करौली महाराज की आरती में प्रतिभाग कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। विराट और अनुष्का के मंदिर पहुंचने की सूचना पर उनके सैकड़ों प्रशंसक मंदिर के गेट के बाहर जमा हो गए। हालांकि अनुष्का और विराट बिना प्रशंसकों से मिले मुक्तेश्वर वापस चले गए। विराट और अनुष्का ने मंदिर समिति के लोगों के साथ फोटो खिंचवाई। धामी सरकार के धर्मांतरण कानून को सख्त बनाए जाने और 10 साल की सजा का प्रावधान किए जाने के फैसले पर हरिद्वार में साधु संत फैसले की सराहना कर रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि धर्मांतरण बड़ी समस्या है। इस अपराध को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है उसे सामूहिक धर्मांतरण जैसे मामले पर रोक लगेगी। साधु संतों ने कहा कि जल्द से जल्द कानून प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। ये जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है ये स्वागत योग्य कदम है। जबरन धर्मांतर भारत में पिछले 70 साल से हो रहा है और शासन को इस पर कठोरता से रोक लगानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है। देवभूमि उत्तराखंड में अगर कोई भी प्रकार बलात्पूर्वक किसी व्यक्ति का धर्म में परिवर्तन किया जाता है तो दंडनीय अपराध होना चाहिए और ये 5 से 10 साल की सजा का जो प्रावधान किया है आगे विधानसभा में इसका प्रस्ताव पास हो सारा साधु समाज इसका स्वागत करता है। आज उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही साहसिक और सराहनीय फैसला लिया है। धर्मांतरण का जो ये फैसला है ये सभी के हितों में है। इससे एक समाज में बड़ी द्वेषता फैल रही थी और उसमें 10 साल का प्रावधान सजा का दिया गया है। भारत साधु समाज और संत समाज में हर्ष की लहर है। हम इसकी अति प्रशंसा करते हैं और इस तरीके का कानून हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार में भी सभी राज्यों के लिए यह कानून लागू होना चाहिए ताकि समाज में सभी संप्रदायों में आपसी सौहार्द और प्रेम बना रहे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने के समय शंकराचार्य के मौजूद रहने की प्रथा शुरू होने से संत समाज उत्साहित है। दरअसल यहां पर लंबे समय से यह प्रथा बंद थी। सिद्धपीठ शाकंभरी देवी के महंत सहजानंद ब्रह्मचारी का कहना है कि इस परंपरा के शुरू होने पर संत समाज में खुशी का माहौल है क्योंकि यह परंपरा हमारी सदियों पुरानी थी। इसको अब नव नियुक्त शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद की ओर से शुरू किया जा रहा है। परंपरा रही कि ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज पालकी में बैठ करके भगवान के विग्रह को विराजमान कराते हुए बद्रीनाथ जाते थे और पट खोलता था और जब पट बंद होता था तब भी बामणी गांव होकर के पांडुकशिर होकर के आते। सन 1776 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण जी महाराज जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य थे उनके बाद से ये परंपरा थोड़ी लुप्त हो गई क्योंकि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ज्योतिर्मठ में नहीं रहे। 165 साल तक यही परिस्थिति बनी रही। अब हम ज्योतिर्मठ की ओर से चाहते हैं कि जो हमारी इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।